तो नमस्कार दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग मोड पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ये देखिए किस तरह से 19,000 21,000 के लेवल को मार्केट टच करके नीचे आ गया, 20,926 पे बंद हुआ है। 20,900 पे मार्केट देखिए ओपन हुआ था, ठीक 20,929 पे धड़ाम से नीचे आया। एक समय लगा कि मार्केट में बहुत अच्छी गिरावट हो गई है, लेकिन फिर शार्प रिकवरी भी, 20,946 पे बंद हुआ, यानी ओपन और हाई के लगभग ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। NSE देखिए 20,926 पे बंद हुआ है और निफ्टी बैंक 47,092 पे बंद हुआ है। बढ़ने वाले शेयर्स में NTPC थे, अदानी पोर्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड, आइसर मोटर्स। गिरने वाले में TCS, इन्फोसिस, HDFC लाइफ, एक्सिस बैंक, अल्ट्रा टेक सीमेंट थे। तो ऐसे में गिफ्ट निफ्टी को भी समझ लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे आज ओपन होने का संकेत दे रहा है। ये देखिए अभी दिखा रहा है कि 13 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, तो ऊपर ओपन होने का संकेत गिफ्ट निफ्टी से आ रहा है। अमेरिकन मार्केट को भी देखते हैं कि बाप रे, बहुत भयंकर तेजी हुआ है। 1.5% 2% की तेजी हुआ, स्मॉल कैप में 3%, नेस्टेक 13%, 1.38%, 200 पॉइंट का नेस्टेक में तेजी है, 512 पॉइंट का डॉजोंस में तेजी है, S&P का में भी देखिए 63 पॉइंट का तेजी है। तो आज बहुत बड़ा गैप अप होने का चांसेस मार्केट में दिखेगा। डॉलर इंडेक्स 102 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, तो डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा नीचे आया है। तो काफ़ी ताबड़तोड़ रैली US के मार्केट में है, हमारा मार्केट भी आज हो सकता है कि अपवर्किंग हो और अच्छा रिएक्शन दे। तो कैसा गिफ्ट निफ्टी से अभी 12-13 पॉइंट ऊपर का है शुरुआत, और हमारा निफ्टी से समझने की कोशिश करते किस तरह का ऊपर होने का चांसेज है। तो पिछले वीडियो में हमने जैसे बताया कि अगर मार्केट 21,000 के ऊपर सरवाइव कर जाता है, ये देखिए वीकली चार्ट्स पे एक डोजी कैंडल जैसा बन रहा है, तो अगर ये रेड नहीं बनता, अगर ये ग्रीन बन जाता है, तो मार्केट फिर हमारा 22,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। 21,500 फिलहाल अभी रिसेंट, और 22,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होने वाला है अगर ये 21,000 का लेवल को सस्टेन करता है। बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी में भी देखिए ताबड़तोड़ तेजी है। यहाँ पे भी देखिए डोजी कैंडल बन रहा है, लेकिन ये रेड कैंडल ये ना बने और ग्रीन बने तो ये 48,000 से 50,000 का लेवल भी दिखा सकता है। तो इसके लिए क्या है, ये जो बॉक्स है ये ऊपर निकलना चाहिए। ये बॉक्स है 47,427 का, तो 47,427 के जैसे ऊपर निकलेगा फिर 48,000 का लेवल का रास्ता खोल सकता है। और जैसे अमेरिकन मार्केट में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिला है कल, हो सकता है ये 48,000 के लेवल आज ही देखने को मिल जाए। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए द मार्केट स्मार्टली रिकवर्ड लॉसेज इन द लास्ट कपल ऑफ आवर्स ऑफ द ट्रेड एंड एंडेड फ्लैट विद पॉजिटिव बियास ऑन December 13 विद 20,800-20,850 होल्डिंग ए सपोर्ट फॉर लास्ट 6 डेज। स्मार्ट रिकवरी टूडे निफ्टी 50 सीम्स टू बी प्रिपेयरिंग फॉर मार्च टू अट 21,000 और 21,100 का जोन अगेन दिखाया एमएड ऑन गोइंग कॉन्स्टेशन एक्सपर्ट। तो 20,800-20,850 को होल्ड कर रहा था, सपोर्ट मिल रहा है, और 21,000-21,100 जो है इसका प्रिपरेशन हो रहा है, रेसिस्टेंस बन रहा है। December 13 द BSE सेंसेक्स रोज 34 पॉइंट बढ़ा है, 69,585 पे बंद हुआ है, वाइल निफ्टी 50 गेन 20 पॉइंट बढ़ा है, 20,926 पे बंद हुआ है, और डोजी कैंडल बना है। डोजी कैंडल तब बनता है जब मार्केट में जो है कंफ्यूजन रहता है बायर्स और सेलर्स में। द डीप वाज बॉट इनटू इंडिकेटिंग बाइंग इंटरेस्ट एट लोअर लेवल्स, अर्ली मोमेंटम इंडिकेटर हैज रीच्ड द इक्विलिब्रियम लाइन एंड नाउ वर्ज टू गिविंग पॉजिटिव क्रॉसओवर इंडिकेटिंग दैट इट कैन बी स्टार्ट न्यू साइकिल ऑफ द अपसाइड। ये जतिन केडिया बता रहे हैं, ये BNP परिवार के। तो ऑन द अपसाइड इमीडिएट हर्डल जो इसका दिख रहा है ये 21,000 और 21,050 का है। हाउएवर इट वंस क्लोज अबव दैट इट कैन विटनेस 21,202 और 21,447 का लेवल भी देखने को मिलेगा। तो 20,000 का जो लेवल है, 21,000 का 21,050 का लेवल जो है क्रॉस करता है, तब हमें 21,202 और 21,447 का लेवल भी खुल जाएगा। डाउनसाइड ऑन द डाउनसाइड वेडनेसडे लो 20,770 जी क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से जतिन केडिया बता रहे हैं।
कुणाल शाह जो है सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट के एलकेपी सिक्योरिटीज के, वो बता रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट रिमेंस बुलिश है। कंसीडरिंग द करंट लेवल्स ट्रेडर्स आर एडवाइज टू इनिशिएट प्रेस लॉन्ग पोजिशन, तो प्रेस लॉन्ग पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। द ब्रॉडर मार्केट ऑल्सो ट्रेड स्ट्रांगली विथ निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल 100 इंडेक्सेज राइजिंग 0.9% बढ़ा है, पॉजिटिव ब्रेथ देखने को मिल रहा है। वाइल फियर इंडेक्स जो ड्रॉप हो गया 5% 12.07 में। ये देखिए यहाँ पे ये जो डब्बा दिख रहा है, ये डब्बा इंपॉर्टेंट है। 21,000 के लेवल क्रॉस करेगा तभी हम ऊपर की और 21,200 21,447 का लेवल देखने को मिलेगा। नीचे के साइड में देखिए ये जो लेवल है ये 20,750 का लेवल है, ये 750 अगर टूटता है तो फिर नीचे का लेवल देखने को मिलेगा। तो ये डाटा से क्लियरली देखने को मिल रहा है। ये जो येलो कलर लाइन आपको दिख रहा है, ये इसका पहले का जो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी का 20,222 का था हाई इसका पहले, अब हम 21,000 का हाई लगाएंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट बनाने की, डब्बा बनाने की कोशिश कर रहा है, एक डब्बा बनेगा फिर यहाँ से ऊपर की ओर मूव देखने को मिलेगा। तो पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर बता रहे हैं निफ्टी को पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है 20,951 पे, 20,993 पे, 21,062 पे, वह लोअर साइड पे 20,813, 20,770 और 20,701 पे सपोर्ट मिलेगा। निफ्टी बैंक का बात कर लेते हैं, मैनेज टू होल्ड 47,000 का मार्क जो है होल्ड करने की कोशिश किया है ड्यू टू रिकवरी फ्रॉम डेज लो के साथ रिकवरी हुआ है। बैंकिंग इंडेक्स फेल 5 पॉइंट बढ़ा है, जो गिरा है 47,092 पे बंद हुआ है। फॉर्मेट बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है विथ लॉन्ग लेवल शैडो डेली चार्ट इंडिकेटिंग सपोर्ट बेस्ट बाइंग एट लोअर लेवल। बैंक इन निफ्टी फाउंड सपोर्टेड 40 आवर्स मूविंग एवरेज प्लस उसका जो दिख रहा है 46,900 का है गोइंग एट। वी एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी टू रैंक बाउंड 47,500 46,900 फ्रॉम ए शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव है। डीसीबी क्लोज अबव 47,500 कैन लीड टू सर्च 48,000 और 48,200 का भी रास्ता खुलेगा, जतिन गेडिया बता रहे हैं टेक्निकल एनालिस्ट शेर खान के। तो पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर बता रहा है इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 47,181 पे, 47,252 पे और 47,375 पे। वहीं सपोर्ट देखने को मिल सकता है 46,940 पे, 46,866 पे और 46,745 पे। तो ये देखिए ये जो डब्बा बन रहा है, ये डब्बा 48,000 की तैयारी कर रहा है। 47,700 का लेवल जैसे ही पार करेगा, 47,500 का लेवल जैसे ही पार करेगा, 48,000 और 48,200 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। अब हम कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा को समझते हैं। कॉल ऑप्शन में 21,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा वाई खड़ा है, 1.61 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। कॉल राइटिंग 20,900 के स्ट्राइक पे देखने को मिल रहा है 50.68 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा को समझ में आ रहा है कि 21,000 जो है रेसिस्टेंस मार्केट के लिए बन रहा है। वहीं 20,900 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, तो अगर ये कॉल राइटिंग का मतलब होता है कॉल लोग सेल किए हैं, तो मार्केट में ये 21,000 का लेवल भी हमें देखने को मिलेगा जल्दी जल्दी। 21,000 का 500 का भी लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर जब सेलिंग आएगा या जब कॉल राइटर जब अपना पोजिशन पुट अप करेंगे तो मार्केट को 21,500 की ओर भी ले जाएंगे। ये बड़ा बिग बार कैंडल आपको दिख रहा होगा जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉय खड़ा है। पुट ऑप्शन डाटा को समझते हैं, 20,500 के स्टॉक में सबसे ज्यादा वॉय खड़ा है जहाँ पे 1.01 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, तो पुट ऑप्शन ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। 20,500 एक रेसिस्टेंस हो गया और 21,000 20,500 सपोर्ट हो गया, 21,000 जो है रेसिस्टेंस हो गया। पुट राइटिंग भी 20,500 पे देखने को मिल रहा है जहाँ 42.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो ये देखिए 20,500 सबसे ज़्यादा 1.01 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है। हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ है? SBI लाइफ पे, श्रीराम फाइनेंस पे, डाबर पे, बाटा इंडिया पे, भारतीय एयरटेल पे, HUL पे, टाटा कंज्यूमर्स पे, IGL, IDFC, मैरिको जैसे शेयरों पे लोग बाइंग कर रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं। कौन कौन पे? TVS मोटर पे, पिटलाइट पे, लाल पैथले पे, वेदांता लिमिटेड पे, रामको सीमेंट पे, मेट्रोपोलिस, REC लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बंधन बैंक में लोग लॉन्ग पोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं लोग, निकल रहे हैं प्रॉफिट लेके, LTM, LT माइंड ट्री, करेन वेल्स,
जी इंटरटेनमेंट, बाटा, LTTS, श्रीराम श्रीराम सीमेंट, HCL टेक्नोलॉजी, बलरामपुर चीनी जैसे शेयरों से लोग निकल रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन कर रहे हैं PI इंडस्ट्री पे, अपोलो टायर पे, अल्ट्रा टेक सीमेंट पे, AU बैंक पे, गुजरात गैस पे, OFSS पे, एक्सिस बैंक पे, इन्फोसिस, फ्लोरेंस बैंक, इंडस टावर पे शॉर्ट कवरिंग लोग कर रहे हैं, बिरला सॉफ्टवेयर, डॉक्टर रेड्डी, मैकडोनल्ड्स, कैनरा बैंक जैसे शेयरों पे, हिंदुस्तान कॉपर है, सेल है, बॉस्ट लिमिटेड, HAL, इंडिया सीमेंट जैसे शेयरों से लोग निकल रहे हैं। PCR देखने को मिल रहा है अबव बिलो 1 हो गया है, 0.94, तो एक बुलिश सेंटिमेंट दिखा रहा है। बल डील हुआ है AAA टेक्नोलॉजी पे, लोग सेल किए हैं, बाय हुआ है GMR, पावर एंड अर्बन इंफ्रा पे लोग बाइंग कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे शेयर हैं जहाँ बल डील हुआ है। बायोकॉन न्यूज में रहने वाला है बायोग्राफिक, बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोक्रा ट्रेपोस इंक हैज कंप्लीट इट्स 165 मिलियन सीरीज सी फाइनेंसिंग आफ्टर सी कैपिटल इन्फ्यूजन पोस्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बायोक्रा। बायोक्रा शेयर होल्डिंग बायोक्रा विल फॉल बिलो 20% एंड रिजल्ट बायोक्रा विल सीज टू एसिड द कंपनी। तो इनका एक कंपनी हो जाएगा बायोक्रा, तो ये अच्छा न्यूज है बायोकॉन के लिए। संधार टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हैज इंटर इनटू द एग्रीमेंट ऑफ डिस्पर्स लोन, 5 लाख यूरो का ये इनको लोन मिल रहा है। सब्सिडी है इनका संधार टेक्नोलॉजी बार्सोलिना, एट इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से ये ले रहे हैं। तो IRCTC न्यूज में रहने वाला 10 वर्ष हॉस्पिटल एंड टूरिज्म सब्सिडी ऑफ इंडियन रेलवे इज वन क्रॉप लेफ्ट इन द एरियाज ऑफ बिजनेस बियॉन्ड पे रेलवे एंड प्रोमोटिव ब्रांड बिजनेस एक्रॉस नेशन के हिसाब से ये प्रमोट करेंगे, चारों तरफ अपना बिजनेस फैलाएंगे। यूनो मिंडा द कंपनी हैज कमीशन न्यू ऑटोमेटिव सीटिंग सिस्टम प्लांट अंडर सब्सिडी। यूनो मिंडा टाकी एस सीटिंग इन अहमदाबाद गुजरात, द प्लांट विल मैन्युफैक्चर मैकेनिकल पार्ट्स एंड ऑटोमेटिव सीट्स के लिए बनाएगा यूनो मिंडा, तो मैकेनिकल पार्ट ही बनाएंगे। NBCC न्यूज में रहने वाला द स्टेट ओन्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज रिसीव ऑर्डर 1500 करोड़ का इनके पास ऑर्डर मिला है, 1469 हाउसेज हैं इनके एंड अग्रिम इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है। इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स वेरियस लोकेशन इन इंडिया है इनका, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। गोकुल एग्रो रिसोर्सेज नीट में रहने वाला है द कंपनी सेड स्टेप डाउन सब्सिडरी मॉरिगो इंडो होल्डिंग्स हैज कंप्लीटेड एक्विजिशन ऑफ 25% PT रिया पैसिफिक नपति इंडोनेशिया के साथ इनका एक्विजिशन हुआ है 25%। GMMP फोर्डलर न्यूज में पटेल फैमिली जो है पटेल फैमिली थ्रू मिलर्स मशीनरी कंपनी हैज कंप्लीट एक्विजिशन 1% स्टेक खरीदा है GMM फाइडुलर फ्रॉम फाइडुलर इंक से थ्रू ऑफ मार्केट इंटर सीन ट्रांसेक्शन बिटवीन प्रोमोटर 1700 पर शेयर के हिसाब से हुआ है। पटेल फैमिली शेयर होल्डिंग नाउ स्टैंड 25.18% कर लिया है ये, द रिमेन लार्जेस्ट शेयर होल्डर। FIDI को समझते हैं, सबसे ज़्यादा बाइंग किया है 4710 करोड़ का, DI ने बेचा है माल 958 करोड़ का। पेन में रहने वाला है बलरामपुर चीनी, डेल्टा को हिंदुस्तान कोपर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया सीमेंट, एल्युमिनियम नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, जी इंटरटेनमेंट। तो ये सारे पेन में रहने वाले, सेल को हटा दिया गया, रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। काफी इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है, कैसा लगा जानकारी लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।